यूपीएससी मुख्य परीक्षा चल रही है जिसमें आज GS3 का पेपर था। तो GS3 में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं और कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, अब इस बात का तो कोई फ़ायदा नहीं इस क्वेश्चन को कैसे लिखा जा सकता था, लेकिन हाँ मैं ये जरूर डिस्कस करूँगा कि हाँ आने वाले टाइम में जो भी स्टेट के मेंस देने जा रहे हैं या फिर जो भी UPSC का मेंस देंगे वो क्या ऐसी चीज़ करें जिससे का बेहतर मार्क्स लाए जा सकते हैं, तो वो चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा, क्लियर है। जिससे होगा ये कि आप मेंस की स्ट्रेटजी अच्छे से बना सकते हैं। बाकी कैसे सोल्व करना है उसके लिए आपको बहुत सारी क्लासेस मिल जाएंगी यूट्यूब पर इसके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला ही क्वेश्चन है, तो इसमें पहला ही क्वेश्चन है कि GDP में विनिर्माण क्षेत्र में विशेषकर में MSME की बढ़ी हुई हिस्सेदारी तेज आर्थिक समृद्धि के लिए आवश्यक है। तो पहले ये कंप्लीट हो गया पार्ट। इस संबंध में सरकार की वर्तमान नीतियों पर टिप्पणी कीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन में आप एक अच्छा इफेक्टिव इंट्रोडक्शन बनाने के लिए क्या डाल सकते थे, आप ये डाल सकते थे कि जीडीपी में MSME सेक्टर की हिस्सेदारी कितनी है, इसमें विनिर्माण क्षेत्र में MSME की हिस्सेदारी कितनी है और निर्यात में MSME की हिस्सेदारी कितनी है। ये अगर आपको फैक्ट पता थे तो आप यहाँ से इंट्रोडक्शन को अपने इफेक्टिव बना सकते थे। तो इसको बनाने के लिए देखिए करना क्या पड़ेगा आपको, तो आपको ये करना है, देखिए इन टॉपिक्स है जो जो भी इसमें थर्ड पेपर में है, यानी कि इकोनॉमिक्स है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, इंटरनल सिक्योरिटी है, तो इनसे क्या काम करना है आपको कि PYQ देखने अभी तक यानी कि 15 साल में UPSC ने ये स्टेट PCS जो भी आप दे रहे हैं उनमें से आप 20-20 टॉपिक सेलेक्ट कीजिए। सपोज़ करो इकोनॉमिक्स में से आपने 20 टॉपिक सेलेक्ट कर लिए, उन 20 टॉपिक पर आप अच्छा सा बेहतरीन सा इंट्रोडक्शन तैयार करो। इंट्रोडक्शन को आप कहाँ से निकाल सकते हैं, इंट्रोडक्शन को आप न्यूज़पेपर से निकाल सकते हैं या PYQ में से अगर अच्छा इंट्रोडक्शन दे सकता है वहाँ से निकाल सकते हैं, किसी टॉपर्स की कॉपी से निकाल सकते हैं, विजन की या दृष्टि की किसी भी कोचिंग सेंटर से जिसने भी टॉपर्स ने उन टॉपिक पर लिखा हुआ आंसर, तो वहाँ से आप इसको टॉपिक को निकाल सकते हैं या जो भी आप बुक से निकाल सकते हैं या फिर अपना खुद का इंट्रोडक्शन बना सकते हैं, कोई डाटा से, कोई रिपोर्ट से, कोई कहीं से भी किसी की रेफरेंस है, किसी बुक से। तो उन 20 क्वेश्चन को आप अच्छे से रट्टा मार लो पहले, तो कि मुझे अगर ये इस सब्जेक्ट से ये क्वेश्चन आता तो इंट्रोडक्शन ऐसा ही डालना है, ये इंट्रोडक्शन डालना है मुझे। क्योंकि देखिए वहाँ पर जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे होते हैं तो आप मतलब बड़ा ही घिसा पिटा सा इंट्रोडक्शन डालते हैं तो एग्जाम लगे मूड खराब हो जाता है। फिर वहाँ पे जब हम भी कॉपी चेक करते हैं तो देख लेते हैं यार क्या इसने क्या डाल रखा है, मतलब ये वो बहुत सारे को तो फैक्ट भी गलत होते हैं। पता लगा GDP में कंट्रीब्यूशन 40% है, वो लिख देगा 36% के इर्द गिर्द। तो भाई इर्द गिर्द क्या होता है आप बताओ कि 40% कंट्रीब्यूशन है, फैक्ट बताओ कि 2023 के बजट के हिसाब से, 2024 के बजट के हिसाब से, सर्वे के हिसाब से, कौन किसके हिसाब से है ये कंट्रीब्यूशन, ये कोई रिपोर्ट आई है तो जिसके हिसाब से है बताया गया है, तो उसमें बिल्कुल भी आपकी गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और क्वेश्चन को पढ़ते हो आप देखिए कि फिर आपसे क्या पूछ रहा है, ठीक है। तो ये जो पार्ट है उस पार्ट को आप अलग करें, उस तीसरा भी पार्ट है उसमें वर्तमान पॉलिसी की बात कर रहा है, उन वर्तमान पॉलिसी पर टिप्पणी कीजिए, फिर आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये है कि ऐसे क्वेश्चन में इकोनॉमिक्स में लोगों के मार्क्स अच्छे नहीं आते, उसका वजह यही है कि वो फैक्ट और इसके साथ में मतलब अच्छे से नहीं बैठा पाते तालमेल, और इसे जनरल से आंसर लिख के चले आते हैं। जनरल से आंसर पर आपके मार्क्स वही आते हैं, फिर अगर सपोज करो 10 क्वेश्चन का ही मार्क्स है तो आपको 2 या 3 क्वेश्चन वो नंबर दे देगा ये, ठीक है। अगर आपको 5 या सिर्फ फिर 5.5 नंबर लिखाने हैं, 6 नंबर लिखाने हैं, तो भाई आपको थोड़ा सा डाटा के साथ में, एक डायग्राम के साथ में थोड़ा सा चीज़ों को अच्छे तरीके से पेश करना पड़ेगा, तभी उसमें मार्क्स आते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था में डिजिटलीकरण की स्थिति क्या है, इस संबंध में आने वाली समस्याओं का परीक्षण कीजिए और सुधार के सुझाव भी दीजिए। तो 3 पार्टों में क्वेश्चन है। पहले तो भारतीय अर्थव्यवस्था में डिजिटलीकरण की स्थिति क्या है, इसको अलग अलग पार्ट में आप बांट के देख सकते हैं। यानी कि अगर अर्थव्यवस्था में तो भाई एग्रीकल्चर के पार्ट है, एग्रीकल्चर में क्या स्थिति है, दूसरा उद्योग है, उद्योग में क्या स्थिति है, फिर तीसरा सेवा पार्ट, सेवा क्षेत्र है, सेवा क्षेत्र में क्या स्थिति है। तो तीनों को ऐसे इस हिसाब से आप पार्ट में अलग अलग करके बता सकते हैं। उसके बाद में समस्याएं, समस्याओं में भी आप अलग अलग क्षेत्र में देखिए, एग्रीकल्चर की समस्याएं अलग हैं डिजिटलीकरण के क्षेत्र में, और उद्योग की समस्याएं अलग हैं, और कृषि इसकी सेवा क्षेत्र की समस्याएं अलग अलग हैं, तो सबकी समस्याएं आप यहाँ पे भी अलग अलग करके बता सकते हैं। तीसरा अगर सुझाव देने हैं तो सुझाव में भी आप अलग अलग करके बता सकते हैं, ऐसे नहीं कि पॉइंट डालने स्टार्ट कर दिए और सारे सुझाव एक ही जगह लिख दिए हो, तो तालमेल आप खुद नहीं बैठा पा रहे तो एग्जामिनर क्या बैठा पाएगा, ठीक है। तो इसमें अगर 2-4 आपको स्कीम के नाम पता है, कुछ अगर डायरेक्ट आपको कुछ फैक्ट पता है तो वहाँ पे फैक्ट से आप अपने इंट्रोडक्शन को स्टार्ट कर सकते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है, कृषि उत्पादों के उत्पादन एवं विपणन में ई तकनीक किसानों की किस प्रकार ये मदद कर सकती है। तो देखिए बार बार क्वेश्चन पूछा जाने वाला है, तो यहाँ विपणन में किसमें, कृषि उत्पादों के उत्पाद एवं विपणन में पूछ रहा, ई तकनीक किसानों की किस प्रकार मदद कर सकती है। तो आपको स्टार्टिंग से ये सारे प्रोग्राम लिखने हैं,
तो पहले तो जो भी तकनीक है जिससे कि एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन बढ़ रहा है उन सारों को लिखना है। उसके बाद में विपणन क्षेत्र में जैसे कि ईनाम हो गया, ये फिर ये पीएमसी हो गया, तो जो भी और दो तीन जो नई चीज़ें हैं तो वो सारी चीज़ें लिखनी है। देखिए लिखना ऐसा है कि पहले उत्पादनों के क्षेत्र में लिख दो, फिर विपणन के क्षेत्र में लिख दो, तीन चार पाँच जो भी बताएं आपको, ठीक है। किस प्रकार मदद करती है वो आप लिख दो यहाँ पर, फिर हो गया आपका कंप्लीट। तो इसमें आपको पता होनी चाहिए कि भाई हालिया में कौन से ये तकनीकें गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई हैं, क्लियर है। तो वो देखिए एग्रीकल्चर का टॉपिक ऐसा बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इसे 360 डायमेंशन से कंप्लीट किया करें इसे, इससे आपको होगा कि आपका ऐसे भी बहुत अच्छा हो जाएगा और आपका ये एग्रीकल्चर का पार्ट भी बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तीसरा है भारत में भूमि सुधार, ये डायरेक्ट टॉपिक सिलेबस में दे रखा है। अगर आपने सिलेबस नहीं देखा होगा तो एक बार सिलेबस देख लीजिए। ये भारत में भूमि सुधार के उद्देश्यों एवं उपायों को बताइए और आर्थिक मानदंडों के अतिरिक्त भूमि जोत पर भूमि सीमा नीति को कैसे एक प्रभावी सुधार माना जा सकता है विवेचना कीजिए। तो देखिए जो भी सिलेबस में टॉपिक दे रखे हैं वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप उनमें से पूरे सिलेबस में से जैसे कि GS1 GS2 GS3 GS4 में से सब में से आप सपोज करो कि 50-50 टॉपिक आप सिलेक्ट कर ले रहे हो, तीनों में से 50-50 में से कहूँ चारों में से 50-50 200 टॉपिक आपके हो जाएंगे। 200 टॉपिक पर आप अपना बेहतरीन सा इंट्रोडक्शन बनाकर तैयार कर लें, ठीक है, और उसमें से कुछ योजनाएँ या फिर कुछ कुछ डेटा वगैरह, कुछ कमेटी की रिपोर्ट वगैरह उस पर वहीं पर एटलीस्ट 2-3-4-4 वहाँ पर लिख लें। पूरे को कवर करने की आप कोशिश ना करें। या कुछ लोग बोलते हैं कि न्यूज़पेपर पढ़ते रहो तो काम हो जाएगा आपका, भाई ऐसा नहीं होने का है। आपको अपना मेंस का कंटेंट अलग से बनाना पड़ेगा। मेंस के कंटेंट के लिए आपको चार आप A4 साइज की मतलब कॉपी ले सकते हो, कोई भी रजिस्टर ले सकते हो, या फिर A4 साइज में बना के फाइल में अपने लगा सकते हो। उनको ऊपर टॉपिक डालो, 1-1.5 पेज में आपका वो कंटेंट मतलब उस टॉपिक का कंटेंट तैयार हो जाना चाहिए, जिसमें कि आपको बार बार 5-7-10 पेज नहीं होने चाहिए। एक हमारे सीनियर भी थे तो वो क्या काम करते थे कि वो डेली का मतलब इस तरीके से लिखते थे, वो चारों का एक ही पेज में GS1 GS2 GS3 GS4। भाई होता क्या कि जब आपका लास्ट में एग्जाम होगा तो आप कैसे अलग करोगे इन पॉइंट्स को। तो मैं तो ये सलाह दूंगा आपको कि भाई इसका GS का अलग बनाओ, GS2 का अलग बनाओ, GS3 के अलग बनाओ, GS4 का अलग पेज में लिखो, एक ही पेज में घुसपुस मत करो। अगर हाँ कुछ टॉपिक कॉमन है तो उन कॉमन टॉपिकों को एक जगह लिख दो, वहाँ पर लिख दो GS1 प्लस GS2 में, दोनों में काम आने वाला है टॉपिक, क्लियर है। तो उससे होगा कि आपका टाइम भी बचेगा और आपके ये पॉइंट भी दोनों जगह काम आ जाएंगे। तीसरा है कृत्रिम वृद्धि, यदि बहुत ज़्यादा चल रहा तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस थे, तो आपको पता होना चाहिए। सिंपल सी इसके अवधारणा का परिचय दीजिए, अगर अच्छा तो बेहतरीन से आप इंट्रोडक्शन यहाँ पर बता सकते हो। एक तो ये कि कोई भी मतलब ऐसी मशीन जो इंसान का काम आसान करती है, तो उसे जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, तो भाई सिंपल से तो कोई भी बोल सकता कुछ भी, ठीक है। 50 टाइप के इंट्रोडक्शन यहाँ पर लिखे जा सकते थे, बट यहाँ पे अगर कोई अच्छा बेहतरीन तो आप इंट्रोडक्शन डालोगे तो एग्जामिनर को भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा, हाँ ये थोड़ा टेक्निकल इंट्रोडक्शन है। तो नेक्स्ट AI क्लिनिकल निदान में कैसे मदद करता है, तो आपको बताना चाहिए AI के सारे क्षेत्र, एग्रीकल्चर क्षेत्र में किस तरीके से इंपॉर्टेंस है इसकी, उद्योग क्षेत्र में किस तरीके से है, मैनुअल की सफाई में किस तरीके से है, या फिर सेवा क्षेत्र में कैसे है, अलग अलग क्षेत्र में इसके अगर आपने चार चार पॉइंट अगर डिस्कस कर किए होंगे तो आपको मुझे लगता है कि किसी भी तरीके से इसको क्वेश्चन को मतलब अटैम्प्ट करने में कोई भी दिक्कत नहीं आने की है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसे ही, उन विभिन्न तरीकों पर चर्चा कीजिए जिनसे सूक्ष्म जीवी इस समय हो रही ईंधन की कमी से पार करने में मदद कर सकते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन ऐसा कि डायरेक्टली सिलेबस में मतलब नहीं दे रखा होता, लेकिन फिर भी आपको अटेम्प्ट करना होता है। तो 2-4 क्वेश्चन तो ऐसे रहते हैं जिन पर कि आपको मतलब कुछ भी खेल के यहाँ पे 3-2-3-4 क्वेश्चन नंबर तक आपको लेने पड़ते हैं, ठीक है। तो इसमें आप लिख सकते थे इस क्वेश्चन को, कैसे ईंधन की कमी के पार में मदद कर सकता है जिससे कि ऊर्जा संकट का समाधान होगा, तो ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं उसको और 2-4 इंटरलिंक कर सकते हो 2-4 टॉपिक से। नेक्स्ट है, बांधों की विफलता हमेशा प्रलयकारी होती है, विशेष रूप से नीचे की ओर, जिसके परिणाम स्वरूप जीवन और संपत्ति का भारी नुकसान होता है। बांधों की विफलता के विभिन्न कारणों का विश्लेषण कीजिए, ये बड़े बांधों की विफलताओं के 2 उदाहरण दीजिए। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या होता है कि अगर आपने न्यूज़पेपर या फिर मैगजीन कोई भी करंट के आप पढ़ रहे होंगे, तो अगर कहीं कोई ऐसी इंसिडेंट होता है तो वहाँ पे से ये उठा के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे आप कुछ भी स्टार्ट कर सकते हैं, सपोज करो कि मतलब ये जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें बांधों को क्या बोला था कि ये आधुनिक भारत के मंदिर है, तो यहाँ पर आप स्टार्ट कर सकते थे। कुछ भी अगर आपको पता है कि भारत में बड़े बांध मतलब कितने हैं, फिर कितना इससे एनर्जी जनरेट होती है, कुछ भी अगर आपके पास में फैक्ट हो तो आप मैं कहूँगा कि आप फैक्ट से इस क्वेश्चन को स्टार्ट करें, फैक्ट से डाटा से कुछ भी कोटेशन से आप यहाँ से स्टार्ट करके फिर बता सकते हैं कि जिसके परिणामस्वरूप जीवन और संपत्ति का भारी नुकसान होता है, भाई किस तरीके से ये नुकसान मतलब होता चला जा रहा है इनसे और क्या क्या अभी समाधान की जरूरत है इसकी, ठीक है, और इसके नुकसान के कारण भी बताने आपको। तो इन्हें 3-4
मतलब पार्ट में इसको क्वेश्चन को बांटना है, उसके हिसाब से फिर अलग अलग लिखना है और पॉइंट में आप लिखने की कोशिश करें। हिंदी मीडियम में क्या होता है कि लोग मतलब इसे ऐसे टाइप में लिखने को बैठ जाते हैं, तो जिससे कि फिर मार्क्स कम आते हैं, तो फिर बाद में बोलते हैं कि हिंदी मीडियम से सिलेक्शन अभी नहीं हो रहे हैं। तो भाई आप ऐसा लिखो जिस तरीके से इंग्लिश मीडियम के बच्चे लिखते हैं, टू द पॉइंट बात को लिखते हैं, इधर उधर बात को फैलाने की कोशिश नहीं करते, बस आपका यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल प्रदूषण क्या है? यहाँ पर डिफाइन कर दो तेल प्रदूषण क्या है पहले। सामुद्रिक परिस्थितिक तंत्र के इसके प्रभाव क्या हैं? तो देखिए सामुद्रिक परिस्थितिक तंत्र के प्रभाव कुछ क्या काम करेंगे, डायरेक्ट ऐसे प्रभाव लिखने स्टार्ट कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कहूँगा देखिए पहले अगर इस तरीके से प्रभाव लिखें आप, तो पहले लिखें आप कि इसके जो है पर्यावरणीय प्रभाव क्या पड़े हैं। ठीक है, जीव जंतुओं पर प्रभाव क्या पड़ते हैं, उसके दूसरे उसके आर्थिक प्रभाव क्या पड़े हैं, आर्थिक प्रभाव बताओ, फिर उसके फिर मतलब और दूसरे पर्यावरणीय प्रभाव हो गया, राजनीतिक प्रभाव हो गया, आर्थिक प्रभाव हो गया, तो ऐसे तीन चार प्रभाव अलग अलग करके आप बताओ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा इसमें। नेक्स्ट है, भारत जैसे देश के लिए किस तरह से तेल प्रदूषण विशेष रूप से हानिकारक है? अगर आप यहाँ पर डाल सकते हो तो इंडिया का मैप थोड़ा सा ही साउथ का पार्ट दिखा सकते हो, और किस तरीके से हानिकारक है ये कुछ दो चार पॉइंट लिख के बता सकते हो कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर तेल का उत्खनन किया जाता है, तो जिससे यहाँ की बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, तो जिससे यहाँ पर मरुस्थलीय जो भी वन्य जीव हैं, यहाँ पे जो भी मतलब ये समुद्री जीव हैं, तो उन पर किस तरीके से निगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, यहाँ पे जनसंख्या कम होती चली जा रही है मछलियों की, या फिर दूसरी जो जीव हैं जो खाद्य पदार्थों में इस्तेमाल किए जाते हैं, दवाइयों में इस्तेमाल किए जाते हैं, तो उनकी जनसंख्या दिन ब दिन कम होती चली जाए, प्रजातियों की संख्या कम होती चली जाती है। कोरल रीफ किस तरीके से ब्लीचिंग हो रही है, कोरल रीफ पर मैं आप यहाँ प्रभाव दर्शा सकते हैं उसके, तो ये किस तरीके से हानिकारक है। भाई हमारे यहाँ बहुत बड़ी जनसंख्या है, जो अभी देखिए तेल की भी बहुत ज़रूरत है, और दूसरी बात में यहाँ पर हमें खाद्य संसाधनों की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पास में लिमिटेड रिसोर्स है ना, क्योंकि ज़मीन के एक लिमिटेड है, तो इतने जितने उत्पादन बढ़ा सकती है उसके बाहर हमें अगर फूड हैबिट में चेंजिंग लानी होगी, तो हमें समुद्र की तरफ भागना पड़ेगा। समुद्र से हमें बहुत सारी मतलब जीव हो गए, फिर और अदर चीज़ें होंगी, वहाँ से लेकर अपनी जनसंख्या की जो है ये खाद्य ज़रूरतों को पूरा करना पड़ेगा। तो अब इस देश के लिए क्या इम्पैक्ट पड़ सकते हैं आने वाले टाइम में, तो आप उसको बता सकते हैं। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों में जनसमुदाय का विश्वास बहाल करने में दिल और दिमाग जितना एक आवश्यक कदम है, इसमें जम्मू कश्मीर में संघर्ष समाधान के भाग के रूप में सरकार द्वारा अपनाए गए उपायों की चर्चा कीजिए। तो देखिए अब दो तीन जगह पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या होता है कि आतंकवादी घटनाएं होती हैं, तो आप इन क्षेत्रों को स्पेशली दिखा सकते हो इस पर। यहाँ पर ज़्यादा कुछ बड़ा जब जम्मू कश्मीर के परस्पेक्टिव में बात करें, तो आप कोशिश करें कि जम्मू कश्मीर का ये पार्ट दिखाएं, जम्मू कश्मीर के पार्ट में वो पार्ट दिखाएं आप जोन से क्या मतलब आतंकवादी घटनाओं से ज़्यादा प्रभावित हैं, तो उन घटनाओं से प्रभावित एक तो आपने ये पार्ट दिखा दिया, तो इतना पार्ट आपका ये कवर हो गया, तो ये मतलब ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र हैं, तो इसके दो चार मतलब पांच कारण भी लिखते हुए। अब तो आप अब दिल और दिमाग जीतने के लिए गवर्नमेंट ने कौन कौन से स्टेप उठाए हैं, जिस तरीके से आप देखते होंगे कि अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में मतलब रिजर्वेशन की पॉलिसी अपनाई गई है, या फिर छात्रवृत्ति योजनाएँ चलाई जाती हैं, कौशल प्रोग्राम चलाए जाते हैं, उन सारे प्रोग्राम को आप जो है ये एटीट्यूड चेंज करने वाले प्रोग्राम, ये दिल और दिमाग को चेंज करने वाले प्रोग्राम के रूप में बता सकते हो। ठीक है, तो उनको डिटेल से आप यहाँ पर डिस्कस करोगे तो आपका ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। और दूसरी जो स्टेप है ये मतलब ये उसके साथ साथ में और इसके साथ साथ में एटीट्यूड चेंज के साथ साथ में और क्या स्टेप है जो आतंकवादी घटना को मतलब समाधान में काम कर सकते हैं, जैसे कि स्मार्ट पॉलिसी होगी तो उसको अभी आप यहाँ पर बता सकते थे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाना मतलब हर बार पूछा जाता है, या तो आपका नॉर्थ ईस्ट में जाएगा क्वेश्चन, या फिर आपका जम्मू कश्मीर में जाएगा, या फिर माओवादी क्षेत्र में चला जाएगा, तो ये क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि क्यों ना आप एक अच्छा सा बेहतरीन सा इंट्रोडक्शन यहाँ पर तीनों पर एक एक तैयार करके रखो तो ज़्यादा बेहतर है। चलिए नेक्स्ट है, सीमा पार से शत्रुओं द्वारा हथियार गोला बारूद ड्रग्स आदि मानव रहित हवाई वाहनों यानी कि UAV की मदद से पहुंचाया जाना हमारे सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है, तो इस खतरे से निपटने के लिए उपायों पर आपको टिप्पणी करनी है। तो देखिए अभी हो क्या रहा है कि आपको पता होगा कि साउथ ईस्ट एशिया में कौन सा है, साउथ ईस्ट एशिया में आपने देखा होगा तो इधर ये गोल्डन ट्राइंगल है, गोल्डन ट्राइंगल हो गया। दूसरा बात हो गया अगर इधर आपका दूसरी साइड में अफगानिस्तान में ये क्या है, गोल्डन क्रिसेंट है, तो इन दो क्षेत्रों से क्या आता है बहुत ज़्यादा, इन दो क्षेत्रों से बहुत ज़्यादा क्या आता है भारत में ड्रग्स की सप्लाई होती है, या फिर अभी एक नया रूट और पनपा है तो ये नेपाल साइड है, नेपाल के साइड से बहुत ज़्यादा ये तस्कर जो है इधर से आने स्टार्ट हो गए। तो अब होना क्या चाहिए इसके लिए, देखिए इन्हें नए नए तरीक़ों को अपनाया जाना चाहिए, जिस तरीके से सीमाओं को मजबूत किया जाना चाहिए, और ड्रोन का इस्तेमाल करना चाहिए, और नई नई टेक्नोलॉजी जो भी है रडार वगैरह लगाए जाने चाहिए, जिससे क्या हम इनको निगरानी कर सकें, जिससे इस पर नियंत्रण किया जा सके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी प्रवृत्ति में संरचनात्मक है, भारत में बेरोजगारी की गणना के लिए अपनाई गई पद्धति का परीक्षण कीजिए और सुधार के लिए सुझाव भी देने। तो देखिए अगर आपको इंट्रोडक्शन आपको प्रभावकारी बनाना है तो आप यहाँ पर कोई भी किसका भी सहारा ले सकते हैं, जैसे क्या
हाल ही में NSSO का सर्वे आया था तो उसने कहा था भारत में अभी गरीबी मतलब ये बेरोजगारी कितनी है, तो 6.8% बताई थी किसने, NSSO द्वारा बताई गई थी ये। तो जो पहले 2000 मतलब कब कितने से ये 8.2 से गिरकर अभी कितनी हो गई, 6.8 हो गई है। तो ये किसका सर्वे था, ये NSSO का सर्वे था। तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, और किस टाइप की प्रवृत्ति है, संरचनात्मक है, तो आप इसको भी बता सकते हैं, थोड़ा सा डिफाइन 10-5 वर्ड में इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब इसमें कौन सी पद्धति अपनाई गई है इसको बता सकते हैं, उसका मतलब उसके प्रोज एंड कॉन्स बता देंगे, और सुधार में सुझाव के आप बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखभाल अर्थव्यवस्था और मुद्रीकृत अर्थव्यवस्था के बीच अंतर बताना। तो अंतर मैंने बताया था कि आपको अंतर जो है आप जब भी बताएंगे तो आप इस तरीके से अंतर को बताएंगे, ठीक है। कौन कौन से पॉइंट में अंतर है ये पॉइंट डालेंगे आपको, अब यहाँ पे देखभाल अर्थव्यवस्था लिख देंगे, यहाँ पे मुद्रित अर्थव्यवस्था पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, ठीक है। उसके बाद में महिला सशक्तिकरण के लिए द्वारा देखभाल अर्थव्यवस्था को मुद्रित अर्थव्यवस्था में कैसे लाया जा सकता है, तो ये आप इसके डिटेल से बता देंगे, इसका क्वेश्चन का ज़्यादा आइडिया मुझे भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट है, खपत पैटर्न एवं विपणन दशाओं में परिवर्तन के संदर्भ में भारत में फसल प्रारूप यानी क्रॉपिंग पैटर्न में परिवर्तनों की व्याख्या करनी है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे ये फसल प्रारूप यानी क्रॉपिंग पैटर्न को डिफाइन कर देंगे, क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है, उसके परिवर्तन के कारण क्या है, खपत पैटर्न और विपणन दशाओं में परिवर्तन के साथ साथ फसल परिवर्तनों की आपको व्याख्या कर देनी है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके कारण क्या क्या है, देखिए एक तो खपत पैटर्न में परिवर्तन होना, दूसरा विपणन में, दूसरा गवर्नमेंट की जो स्टेप उठाई जाती है गवर्नमेंट के द्वारा उसमें किस तरीके से इंपैक्ट पड़ रहा है, एक और पैटर्न आप चेंज कर सकते हैं, क्लाइमेट चेंज को भी इसमें डाल सकते हैं। तो दो तरीके से आप ऐसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, एक तो मैन मेड रीज़न क्या है, दूसरा नेचुरल रीज़न क्या है इसके, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में कृषि क्षेत्र के को प्रदान की जाने वाली, ये देखिए ये क्वेश्चन ये क्रॉपिंग पैटर्न वाला डायरेक्ट सिलेबस से उठाया क्वेश्चन है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप सपोज करो 50 अगर यहाँ से पॉइंट लिख लेते हो, 50 पॉइंट के इंट्रोडक्शन वगैरह या कुछ पॉइंट वगैरह लिख लेते हो तो आपका यहाँ पे इजीली काम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, कृषि क्षेत्र को प्रदान की जाने वाली प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सब्सिडी क्या है। विश्व व्यापार संगठन द्वारा उठाए गए कृषि सब्सिडी संबंधित मुद्दों पर विवेचना कीजिए। तो भाई ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट सिलेबस से उठाया गया क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट यही है, इसमें आप देखोगे तो ये डायरेक्ट एवं इनडायरेक्ट सब्सिडी प्रोवाइडेड बाय फार्म सेक्टर इन इंडिया, ये इतना ये सिलेबस का पार्ट है, वो इसको अगर आपने कवर किया होता तो आप इजीली इसको कवर कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को अपनाना दुनिया भर में तेजी से बढ़ रहा है, तो कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वाहन कैसे योगदान करते हैं और पारंपरिक दहन ये इंजन वाहनों की तुलना में ये प्रमुख लाभ प्रदान करते हैं। तो आप यहाँ पर बता सकते हो कि गवर्नमेंट ने यहाँ पर कौन सी स्कीम लेकर आई है, तो कौन सी स्कीम के तहत उसका टारगेट कितना है 2030 तक, ठीक है। तो उसको बता के आप यहाँ पर अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं, उसके बाद में उसके फिर लाभ लिख सकते हैं। आप कोशिश करें कि लाभ को भी इस तरीके से अलग अलग उसमें डायमेंशन में डाल के लिखें, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत के तीसरे चंद्रमा मिशन का मुख्य कार्य क्या है। देखिए अभी हाल ही में ये लॉन्च किया गया था, तो ये क्वेश्चन करंट से पूछ लिया गया है, इसके पहले मिशन में हासिल नहीं किया जा सका है, जिन देशों ने इस कार्य को हासिल कर लिया है उसकी सूची दी है। अब आपको देखिए प्रीलिम्स टाइप का भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है, यहाँ पे आपको बता होना चाहिए कि किन किन देशों ने ये यहाँ पे चंद्रयान मिशन भेजे थे, चंद्रमा पर मिशन भेजे थे, तो उनको बताना है, उनकी सूची देनी है आपको। प्रक्षेपित अंतरिक्ष यान की उपप्रणालियों की प्रस्तुति कीजिए और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के आभास प्रशिक्षण प्रक्षेपण नियंत्रण केंद्र की उस भूमिका का वर्णन कीजिए जिसने हरिकोटा से सफल परीक्षण में योगदान दिया, तो इसकी भूमिका बतानी है आपको। तो ये करंट का क्वेश्चन है, अगर आपने बहुत अच्छे से करंट को किया होता तो इजीली आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। तो ये आंसर डायरेक्टली उसमें सिलेबस में नहीं मेंशन किया गया, लेकिन हाँ ये अंतरिक्ष सेक्टर सिलेबस में सिलेबस का भाग है। नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम पर टिप्पणी कीजिए और रामसर स्थलों में शामिल अंतर्राष्ट्रीय महत्व की भारत की कुछ आर्द्रभूमियों के नाम लिखने। देखिए यहाँ पे आपके साथ में स्कोप क्या था, तो यहाँ पे आर्द्रभूमियों का आप थोड़ा बता सकते थे, रामसर कन्वेंशन को यहाँ पर डिफाइन कर सकते थे कब आया था, और इंडिया में स्टार्टिंग एक दो साइट का आपको नाम पता था, तो पीटी टाइप के फैक्ट आप यहाँ पे डाल के अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते थे। उसके साथ साथ में आप डायग्राम बना के दर्शा सकते थे अलग अलग क्षेत्र में। देखिए आपको यहाँ पे एक काम करना है, अगर कुछ साइट आपको यहाँ की पता है कर्नाटक की, तमिलनाडु की, वो भी बतानी, एक दो साइट, एक दो मिडिल की बता दो, एक दो इधर की बेस्ट की बता दो, एक दो इधर पूर्व की बता दो, और एक दो बता दो आप नॉर्थ की, तो उससे एग्जामिनर को लगेगा हाँ इसको जो है सारी इधर की सारी जानकारी है। ऐसा नहीं कि आप सपोज करो साउथ की तो आपने साउथ की साइट लिख दी, आप वेस्ट की तो आपने वेस्ट की साइट लिख दी, नॉर्थ ईस्ट की तो नॉर्थ ईस्ट की लिख दी आपने, अब मिडिल की तो आपने यहाँ की साइट लिख दी कोई भी, या कश्मीर साइड से तो आपने ये साइड से लिख दी। तो कोशिश करो कि आपके इसमें साइट्स में भी बायोडाइवर्सिटी आए, मतलब डाइवर्सिटी आए सॉरी। तो ये होगा क्योंकि आप जब सारी जगह की साइट लिखेंगे तो आप एग्जामिनर को लगेगा हाँ इसको जो है अच्छी समझ है, बेहतर तरीके से, और ये इसकी सोच भी अलग है। तो चलिए नेक्स्ट है, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल यानी कि IPCC ने वैश्विक समुद्र स्तर में 2100 ईस्वी तक लगभग 1 मीटर की वृद्धि का पूर्वानुमान लगाया है।
हिंद महासागर क्षेत्र में भारत और दूसरे देशों पर इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे। तो यहाँ पे आपके पास में स्कोप था कि आप यहाँ पे इसको बता सकते थे जलवायु IPCC, ठीक है। यहाँ पे कुछ इसका बैकग्राउंड में जाकर आप इसका इंट्रोडक्शन लिख सकते थे, उसके बाद में ये टारगेट क्या है ये टारगेट लिख सकते थे, उसके बाद में आपके पास में यहाँ पे स्कोप एक अच्छा स्कोप ये था कि आप यहाँ पे ये थोड़ा सा ये मैं यहाँ पे मैं बना के दिखा देता हूँ। इस तरीके से आप जो है ये अफ्रीका को कवर करते हुए अफ्रीका कवर करके आप ये इंडिया दिखा के इस तरीके से आप ये यहाँ पे मैप बना सकते थे, जिसमें क्या ये पूरा हिंद महासागर इंडियन ओशियन जो है इसमें आ जाता है, इंडियन ओशियन को आप दिखा सकते थे यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये कहाँ पे कौन सा इंपैक्ट पड़ रहा है, तो यहाँ पे उन क्षेत्रों को भी आप दिखा सकते थे, क्लियर है। क्योंकि अगर आप ऐसे लिखते कि अफ्रीका पे इंपैक्ट पड़ेगा तो आप अफ्रीका पे डाल के दो तीन पॉइंट यहाँ पे लिख सकते थे, इंडिया पे ये फिर छोटे छोटे जो महाद्वीप हैं उनको आप दिखाते तो ज़्यादा बेहतर रहता कि इन महाद्वीपों के डूबने की संभावना है इस चीज़ से, ठीक है। तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा आप छोटे छोटे अगर ये आइलैंड दिखाएंगे तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत द्वारा सामना की जाने वाली आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों क्या हैं, ऐसे खतरों का मुकाबला करने के लिए नियुक्त केंद्रीय खुफिया और जांच एजेंसियों की भूमिका आपको बतानी है। अब देखिए यहाँ पे आंतरिक सुरक्षा चुनौतियाँ तो दे दी यहाँ पे, तो भारत में आप देखते होंगे कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग ये सुरक्षा चुनौतियाँ हैं। सपोज करो कि जो ये नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है, नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में अलग टाइप की चुनौतियाँ हैं, और ये कश्मीर साइड का जो क्षेत्र है यहाँ पर अलग टाइप की चुनौतियाँ हैं, और आपका ये तटीय जो क्षेत्र है यहाँ पर अलग टाइप की चुनौतियाँ हैं, ये जो इधर का पाकिस्तान का क्षेत्र है इधर अलग टाइप की चुनौतियाँ हैं, बांग्लादेश के इधर अलग टाइप की चुनौतियाँ हैं, यहाँ नेपाल के साइड में भूटान के साइड में अलग टाइप की चुनौतियाँ हैं। तो आप यहाँ पर ये नहीं डाल सकते कि आंतरिक चुनौतियाँ लिख दो और आंतरिक चुनौतियों में आप यहाँ पर पॉइंट डालने स्टार्ट कर दो। तो मेरे हिसाब से तो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि आप यहाँ पर लिखो नॉर्थ ईस्ट की आंतरिक चुनौतियाँ, चार पांच चुनौतियाँ इधर की लिख दी, ये दो तीन चुनौतियाँ आपने इधर की लिख दी तटीय क्षेत्रों की, दो चार चुनौतियाँ आपने ये कश्मीर क्षेत्र की लिख दी, ठीक है, और दो तीन चुनौतियाँ आपने ये पाकिस्तान क्षेत्र की लिख दी, दो चार चुनौतियाँ आपने ये नेपाल क्षेत्र की लिख दी इधर, तो अलग अलग और फिर आंतरिक रूप से आंतरिक दो चार चुनौतियाँ आपने ये लिख दी। तो मुझे लगता है कि इससे बेहतर है कोई भी आइडिया इसमें क्वेश्चन में नहीं हो सकता, और मुझे लगता है कि हो सकता है कि कुछ ही लोगों ने इस तरीके से लिखा हो, बट ऐसे तो ना ही लिखा होगा ना ही आपको आज तक किसी ने ऐसा बताया होगा। तो इस टाइप से अगर आप क्वेश्चन को लिखोगे तो ज़्यादा यहाँ पर आप जो है मार्क्स गेन कर सकते हो, क्लियर है। तो चलिए अब मुकाबला करने के लिए नियुक्त केंद्र इसकी भूमिका भी आपको बतानी है यहाँ पर साथ साथ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 का कहता है, भारत में आतंकवाद के वित्त पोषण के प्रमुख स्रोत एवं उनके स्रोतों की कटौती के लिए किए गए प्रयास बताने हैं आपको, ठीक है। आतंकवाद के वित्त पोषण के प्रमुख स्रोत आपको बताने हैं भारत में। अब इस आलोक में हाल ही में हुए नई दिल्ली में नवंबर 2022 में हुए आतंकवाद के लिए धन नहीं मतलब संगोष्ठी के लक्ष्य एवं उद्देश्यों की विवेचना करनी है। अगर आपको करंट आपने पढ़ा होगा तब यहाँ पर इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं, अदरवाइज दो तीन क्वेश्चन ही आप लाओगे कि कैसे आतंकवाद से निपटना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, आप ये बातें लिखोगे इसमें, लेकिन बाद का पार्ट आप तभी कंप्लीट कर पाओगे जब आपने ये करंट पढ़ा हो, ठीक है। तो फिर भी ये कि आप कुछ भी अटैम्प्ट करने की कोशिश करें, यहाँ से दो तीन नंबर तो आप इजीली निकाल ही सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स हमने पेपर डिस्कस किया था पेपर नंबर 3 GS का। तो मैंने पेपर डिस्कस क्या किया था, हमने ये डिस्कस किया था कि अब आपको आगे की रणनीति क्या अपनानी चाहिए और कौन से क्वेश्चन को आप कैसे अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी थी, तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि इससे आपको कुछ फ़ायदा हो, लेकिन ये है कि इतना तो है थोड़ा बहुत परिवर्तन जरूर आएगा आपको नोट्स बनाने में, किन किन टॉपिक्स को आपको नोट्स बनाने। तो देखिए मैं एक चीज़ और बता दूँ आपको कि आपको क्या काम करना है, अगर जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, सपोज़ करो UPSC का एग्ज़ाम दे रहे हैं आप, UPSC का आपको PYQ लेना है, मेंस का PYQ लेना है, जिसमें 15 मिनट के पेपर देखने हैं आपको। कब से देखने हैं, यहाँ आप देख सकते हैं 2010 से देख सकते हैं, सपोज़ करो 2010 से अब तक 2023 तक के पेपर देख सकते हैं। इन पेपर्स में ये आपके 13 साल के पेपर हो गए, इन पेपर्स में जो टॉपिक बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिस टॉपिक से, उस टॉपिक को आपको उठाना है और उस टॉपिक पर आपको एक पेज का नोट तैयार कर लेना है। तो ऐसे आपके 50 टॉपिक बनेंगे, 50 पे आप पेट वो तैयार कर लो। तो बाकी ऐसे ही सारे सब्जेक्ट के डिजास्टर मैनेजमेंट के हो सकता है 10-15 टॉपिक बने, इंटरनल सिक्योरिटी हो सकता है 10-15 टॉपिक बने, इकोनॉमिक्स की हो सकता है 20 टॉपिक बन जाए, ऐसी और दूसरे उसमें भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बनाने, इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सपोज करो 10 बन जाए, तो ये टोटल मिला के एक पेपर के GS के एक के 50 टॉपिक बन जाएंगे। ऐसे ही आपको करना है सेकेंड पेपर में, तो आपको मेनली करंट पर फोकस करना, बट उन टॉपिक को भी देखना कि कौन कौन से टॉपिक से वो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, क्लियर है। तो ये आप अपना तैयार करके रख लो, 4 आपकी ये कॉपी बन जाएंगी, उन कॉपी में आपका मेंस का कंटेंट रहेगा, तो जो आपके बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी मेंस के टाइम पे।
तो उसमें उसमें अच्छी बात यह है कि आप वैल्यू एडिशन करके रखना, वैल्यू एडिशन आप जब तक नहीं करते तो आप तब तक आपको जो है एग्जामिनर अच्छे मार्क्स नहीं देता है, क्योंकि जनरल से तो सब लिख के आते हैं तो फिर बार बार मैंस लिखते तो फाइन सिलेक्शन नहीं होता, तो फिर फ्रस्ट्रेशन आ जाता कि भाई क्या हो रहा है, क्या दिक्कत चल रही है कि मैं सिलेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो भाई ये आप करो तो मुझे लगता है कि इससे आपका जो है रिजल्ट पॉजिटिव रहेगा। तो चलिए, आई होप कि आपको ये क्लास बहुत पसंद आई होगी। ठीक है, धन्यवाद।